हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो आज हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में आप दही कैसे जमाएं, बहुत ही आसान तरीके से, बिना कोई परेशानी, बिना कोई झंझट के आप जो है कि इस तरह से दही जमा कर तैयार कर सकते हो। बहुत ही आसान है इसे बनाना, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये दूध ले लिया है। इस दूध को हमने उबाल कर फ्रिज में रख दिया था, ठंडा हो गया। इसमें की जो मलाई है उसे हमने निकाल लिया है, और ये जो है कि फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा दूध है, तो हम इससे दही बनाएंगे। अगर आप जो है पैकेट वाला, फिर डेयरी से कोई भी नॉर्मल दूध लिए हैं, यानी कि वो उबला हुआ नहीं है, तो पहले आप उसे उबाल लीजिए और इस तरह से उंगली डुबा कर देखिए कि आप आसानी से उंगली उसमें डुबा पा रहे हैं, वो जल नहीं रहा है। इतना तक ठंडा करने के बाद उससे दही बनाना है आपको। तो यहाँ पर हमने ठंडा दूध लिया है, तो इसे हम पहले गर्म करेंगे। तो यहाँ पर हमने दूध को गैस पर चढ़ा दिया है और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। ये देखिए, हाई फ्लेम पर दूध को हम जो है कि हल्का सा गर्म करेंगे, तो गैस का फ्लेम हाई रहेगा, दूध फटाफट से गर्म हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आप उंगली को इसमें डुबा कर आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो है हल्का सा दूध को गर्म कर लिया है, गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हमने नीचे उतार लिया है। तो अब हम इससे दही जमाएंगे। तो हमने यहाँ पर नॉर्मल स्टील का बर्तन लिया है, इसी में हम दही को जमाएंगे। और यहाँ पर ठंडी के मौसम में दही जमाने के लिए आपको इस तरह का बर्तन ले लेना है। ये देखिए, अक्सर सभी के घर में इस तरह का बर्तन रहता ही है, तो हम इसी में, ये जो स्टील का बर्तन हमने लिया है, इसी में रख कर इसमें हम दूध डाल देंगे। ये देखिए, दूध को थोड़ा ऊपर से डालना है। दूध हमने इसमें डाल दिया है, अब इसमें हम डालेंगे दही। ये देखिए, एक चम्मच से कम ही हमने यहाँ पर दही लिया है, इसको इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा दही का पानी जो है इसमें हम एक चम्मच के लगभग इसे भी डाल देंगे। और बस हमें अब कुछ भी नहीं करना है, इस तरह से इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देंगे और फिर से इसका ढक्कन बंद करेंगे। ये देखिए, बस इसी तरह से हमें इसे छोड़ देना है रात भर के लिए। और आज जो है कि 22 दिसंबर है, तो मैं आपको दिसंबर के महीने में इस दही को जमा कर दिखा रही हूँ। मतलब इस महीने में अक्सर जो है कि ज़्यादा ठंड होती है, तो मैंने यहाँ पर इसे रात भर के लिए छोड़ दिया है। ये देखिए, रात भर के बाद मैं इसे, मतलब रात को 8 बजे हमने इस दही को जमाया था, अब सुबह की 6 बजे मैं इसे चेक कर रही हूँ। ये देखिए, मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी दही बनकर तैयार हो गई है, और इसमें हमें कोई भी झंझट, कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और बहुत ही आसानी से बिल्कुल अच्छी दही बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, इसका पानी जो है थोड़ा से ऊपर अलग हो गया है, और अब इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, उसके बाद ही इसे यूज करना है, तो दही जो है और भी अच्छे से सेट हो जाती है। और आज जो है कि 23 दिसंबर है, यानी कि हमने 22 दिसंबर को दही जो है कि जमाया था, और 23 को मैं आपको दिखा रही हूँ सुबह, बहुत ही अच्छे से ये दही जमकर तैयार हुई है। और ये देखिए, हमने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, और ये अच्छे से सेट हो गई है। अब ये दही जो है कि बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो गई है। आप इसे ऐसे खा सकते हो, या फिर आप इसे रायता बना सकते हो, या फिर कोई भी रेसिपी आप इसे बना सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। दही बिल्कुल रेडी हो गई है, तो आप भी फटाफट से ठंड के मौसम में भी बहुत ही आसान तरीके से दही जमा सकते हो, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी झंझट या बिना किसी टेंशन के दही जमकर तैयार हो जाएगी। कोई भी मेहनत नहीं करना है इसमें। और हमारा ये तरीका आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं इसी तरह से हर रोज़ नई नई रेसिपी लेकर आती रहती हूँ, तो हर रोज़ नई नई रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और ये देखिए, फटाफट से कितनी अच्छी दही जमकर तैयार हुई है। तो ठंडे के मौसम में आप इसे रात भर के लिए ज़रूर छोड़ें, रात भर में बहुत ही अच्छे से दही जम जाएगी। और अपना कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।